Hello everyone, welcome back to my channel Makeover with Shayoni. So today I have created this bronze makeup look with hello eyes and dark wine lips. This look can go with all ethnic wears like sari, salwar, kurti or ghagra choli. So chaliye video mein chalte hain. Lekin video mein jaane se pehle jinhone ab tak mere channel ko subscribe nahi kiya hai, jaldi se subscribe kar dijiye because it's free. वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और उसके पास में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरे वीडियो को लाइक एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो चलिए और देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मैंने अपने फेस पर निविया का मॉइस्चराइजर एंड अपने लिप्स पर बेबी लिप्स अप्लाई किया है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस मीना कंसीलर कंट्रोल पैलेट और उसमें से मैं ये दो कलर का कंसीलर मिक्स करके अपने आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ एज माई आई शेडो बेस। अच्छे से इसे ब्लेंड करने के बाद मैं लैक्मे का 9 to 5 फेस पाउडर लेके इसे सेट कर रही हूँ ताकि मेरी कंसीलर क्रीज ना करे। Now by using the ADA's Rockstar palette मैं अपनी आई मेकअप करूँगी। With the help of a fluffy blending brush मैं ये कलर एलेग्रो लेके अपनी क्रीज पे ब्लेंड करूँगी और धीरे धीरे ये कलर मैं बिल्ड करती जाऊँगी अपनी क्रीज और क्रीज से थोड़ा सा ऊपर। Now I am taking this color Alice Cooper और मैं एक छोटा सा आई कंट्रोल ब्रश के हेल्प से अपने आईज़ के आउटर और इनर कॉर्नर में इसे डिपॉजिट करूंगी और ब्लेंड करती जाऊंगी जब तक कि ना मुझे अपने डिजायरेबल कलर मिले। हाँ, जो जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक और डिस्क्रिप्शन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। नाउ आई एम चेकिंग दिस कलर मोडराटो एंड विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल ब्रश मैं इसे अपने आईज के बिल्कुल आउटर मोस्ट कॉर्नर पे इसे प्लेस कर रही हूँ और हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। इसे सिर्फ डिपॉजिट करना है और हल्का हल्का ब्लेंड करना है लेकिन क्रीज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। सो इसे मैं डिपॉजिट कर रही हूँ और हल्के से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरे आईज को एक डेप्थ मिले और एक ग्रेडियंट हो, डार्क टू लाइट एक ग्रेडियंट आ जाए। नाउ अगेन मैं वही फ्लफी ब्रश लेके हल्का हल्का सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे और एक स्मूथ इफेक्ट आए। और अब मैं ये गोल्डन कलर लेके अपने फिंगर के हेल्प से मैं इसे सेंटर ऑफ आईलिड में प्लेस कर रही हूँ और यही एक हेलो इफेक्ट आएगा। इसे मैं मोडराटो कलर लेके गोल्डन कलर की एजेस ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए, एक सीमलेस इफेक्ट दिखे। आई शेडो का एक ही फॉर्मूला होता है कि आप अच्छे से सब कुछ ब्लेंड करें, अगर आप अच्छे से सब कुछ ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। आज मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन लिक्विड लाइनर और इससे मैं एक विंग लाइनर क्रिएट करूँगी। तो बाकी का जो आई मेकअप है वो हम बाद में करेंगे। नाउ आई एम यूजिंग पतंजलि एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर ऑन माय फेस और फाउंडेशन आई एम यूजिंग ब्लू हेवन फ्लोरिना फाउंडेशन और इसे मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अपने फेस पे ब्लेंड कर लूँगी। सो अगेन मीना और कंसीलर पैलेट लेके मैं इसमें से येलो कलर लेके अपने अंडर आइज को ब्राइटन अप कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं अपने नोज़ को भी हाईलाइट करूँगी इससे। Thank you.
नाउ लैक्मे 925 कॉम्पैक्ट पाउडर लेके मैं अपना कंसीलर सेट कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका कंसीलर क्रीज हो जाएगा और बहुत सारी फाइन लाइन आ जाएगी। और अब मैं एक फ्लफी ब्रश लेके अपना पूरा फेस मैं सेट कर लूँगी। फॉर कॉन्ट्रोरिंग आई एम टेकिंग दिस डार्केस्ट शेड ऑफ दिस पैलेट और एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश के हेल्प से मैं अपने हॉलोज ऑफ चीक में अप्लाई कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी। नाउ आई एम कॉन्ट्रोरिंग माई नोज। Now I am contouring my jawline. Now Hilary Rhoda makeup palette से मैं ये bronze color का shade ले रही हूँ और एक fluffy powder brush की help से मैं इसे अपने कॉन्टोर के ठीक ऊपर प्लेस करूंगी और ब्लेंड कर लूंगी ताकि मेरे जो क्रीम कॉन्टोर है वो अच्छे से सेट हो जाए। फिर से एक छोटा सा फ्लैट शेडर ब्रश के हेल्प से मैंने ये एलिस कूपर कलर मैं लूंगी और अपने लोअर लैश लाइन पे इसे प्लेस करूंगी। और अब मैं अपनी फेवरेट एलेटीन का आईड्रामा काजल ले रही हूँ और इसे मैं अपनी अपर और लोअर वाटर लाइन फिल कर लूँगी। और फिर से मैं वही छोटू सा फ्लैट शेडर ब्रश लेके मैं इसे हल्के से स्मच कर लूँगी। सो नाउ इस पैलेट में जो हाइलाइटर शेड है वो एक मैं छोटा सा ब्रश लेके अपने आईज़ के इनर कॉर्नर में प्लेस कर रही हूँ ताकि मेरे आईज़ ब्राइटन अप दिखे। आई एम यूजिंग रेवलॉन मस्कारा, ये लैशेस को एक अच्छा सा वॉल्यूम देता है। जो नॉर्मल लैक्मे का काजल होता है उसके हेल्प से मैं अपने ब्राउज को फिल कर रही हूँ और फिर मैं एक स्पूली की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे और मेरे ब्राउज बहुत ही नेचुरल दिखे। So again I'm using this highlighter shade for highlighting my high points of my face with the help of this fan brush. तो अब मैं एक लिप लाइनर की हेल्प से अपने लिप को लाइन और फिल कर लूंगी और मेक श्योर कि आप जो लिप लाइनर ले रहे हैं वो आपके लिपस्टिक के शेड से मैच हो, नहीं तो बहुत ही खराब दिखेगा। फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग L18 कलर पॉप मैट लिपस्टिक्स इन द शेड चेरी वाइन। नाउ आई एम यूजिंग माई DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे फॉर सेटिंग माई होल मेकअप।